घड़ी मुश्किल से भरी थी, उम्मीद खत्म हो रही थी, रास्ता कोई मिल नहीं रहा था। उत्तरकाशी टनल की आखिरी गुत्थी सुलझाई जाए तो कैसे, यही सब सोच रहे थे। समस्या का समाधान नहीं मिला। तभी गजब हुआ, एक तरह से कहिए चमत्कार हुआ, क्योंकि 41 मजदूरों के लिए उत्तरकाशी सुरंग में पहाड़ हटाने हनुमान गए। जी हाँ, हनुमान ही आए, क्योंकि वो नहीं आते तो ऐसा होता नहीं, रास्ता खुलता नहीं, उम्मीदें टूट जाती, सारी मेहनत बेकार हो जाती। भगवान राम की आखिरी उम्मीद भी तो हनुमान ही बने थे। जब उनके छोटे भाई लक्ष्मण अचेत पड़े हुए थे, वो मूर्छित पड़े, सबने हाथ खड़े कर दिए थे, एक दूसरे को निहार रहे थे। श्री राम को तो अपने बल पर ही भ्रम होने लगा था। उसी दौरान हनुमान ने मोर्चा संभाला। वैद्य ने जो कहा था, जिस संजीवनी बूटी को लाने का आदेश दिया था, उसे लेने के लिए निकल पड़े। संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी तो पूरा पहाड़ ही लेकर आ गए। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए 22 नवंबर को हनुमान ही थे, जिसकी वजह से रास्ता बन पाया। अगर वो नहीं होते तो वैसा नहीं हो पाता जैसी उम्मीद की जा रही थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कभी भी खत्म हो सकता है। बताया जा रहा है ये ऑपरेशन अंतिम स्तर पर है और कभी भी मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। मजदूरों को निकालने के लिए टनल के भीतर एक स्टील का 3 फीट चौड़ा पाइप ड्रिल करके डाला जा रहा है। इस पाइप के सहारे मजदूरों को एक एक कर बाहर निकाला जाएगा। लेकिन 22 नवंबर की शाम रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टनल के बाहर मौजूद भीड़ मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सबकी सांसें अटक गई, सबके सब दहशत में आ गए। दरअसल स्टील के जिस पाइप को टनल के भीतर डाला जा रहा था, उसके सामने लोहे की रॉड आ गई, ड्रिल मशीन बंद हो गई, जहां से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही मजदूर फंसे थे। इसके बाद एनडीआरएफ के जवान आगे आए, कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया। जिसने भी ये कहानी सुनी उसने यही कहा, ये हनुमान की भूमिका में आ गए, इन सब के अंदर बजरंग बली ने एंट्री मारी है, ये तो संकट मोचन है। दरअसल 22 नवंबर की रात करीब 7 बजे ड्रिल मशीन के आगे लोहे का ब्लॉकेज आ गया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया। टनल के बाहर खड़े लोगों की धड़कनें फिर बढ़ गईं। इसके बाद एनडीआरएफ के जवानों ने ड्रिल मशीन के आगे धातु की रोड हटाने का पेड़ा उठाया। जवान पीठ पर गैस कटर टांगकर 3 फीट चौड़े पाइप में घुस गए। ये काम बेहद मुश्किल और खतरों से भरा हुआ था। गैस कटर से वो झुलस सकते थे, उनकी जिंदगी खतरे में भी थी, कुछ भी हो सकता था। बहुत ही भीषण परिस्थितियों के लिए उन्हें दिमागी तौर पर तैयार रहना था। उन्हें इतने ज्यादा तापमान में काम करना था जहां सांस लेना तक मुश्किल था। 22 नवंबर की रात 10 बजे तक छोटे से चैनल में गैस कटर की लपटों की वजह से जवान डिहाइड्रेट हो गए। लेकिन वो रुके नहीं, 3 जवान एक एक कर पाइप के अंदर गए। ये लोग 10-10 मिनट के लिए अंदर गए। जवानों ने मेटल ब्लॉकेज को वहां से हटाया और बाहर निकाला, लेकिन अभी भी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। मेटल रॉड के साथ वहां एक जाली भी थी जो 32 मिलीमीटर लोहे के सरिये से बनी थी। एनडीआरएफ के जवानों को ऐसे मिशन के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। रात के 1 बज गए। अब तक ये समझ में आ गया था कि जवानों को मदद की जरूरत है। शुरुआत में जो महज एक लोहे की रॉड लग रही थी, वो ठोस जाली थी। इसे मैनुअल रूप से काटना बेहद कठिन साबित हुआ। इस मिशन को अंजाम देने के लिए दिल्ली की प्राइवेट कंपनी ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक्सपर्ट्स को बुलाने का फैसला हुआ, जो अमेरिका बर्मा मशीन के भी मालिक हैं। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की बहादुरी से इस काम में कामयाबी मिली। कुल मिलाकर यह सबसे कठिन ऑपरेशन था। बाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एनडीआरएफ के जवानों से मुलाकात की और कार्यक्रम स्थल पर संबंधित लोगों के सामने उनके नामों का उल्लेख करना शुरू किया। उन्होंने फंसे मजदूरों को प्रवीण और बलविंदर और एनडीआरएफ के जवानों के बारे में बताया।